नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप कैसे पता करें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेग्नेंट होना हर स्त्री का सपना होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बाज़ार में कई तरह के उपकरण मौजूद हैं, लेकिन गर्भधारण के साथ ही शरीर में कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं। चाहे तो इन शुरुआती लक्षणों से आप जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। वैसे तो आज के इस दौर में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बाज़ार में कई तरह के उपकरण और दवाइयां मौजूद है, लेकिन गर्भधारण के साथ ही महिला के शरीर में कई तरह के चेंजेस शुरू हो जाते हैं। आप चाहें तो इन शुरुआती चेंजेस से जान सकते हैं कि आप गर्भवती है या नहीं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। पहली बात, हेवी ब्रेस्ट। ये एक सामान्य लक्षण है। दरअसल ब्रेस्ट में उत्तक हार्मोन्स के प्रति संवेदनशील होते हैं। गर्भधारण करने के साथ ही शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं। इससे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है या इनका वजन बढ़ने लगता है या आपको ऐसा महसूस होता है कि इसका वजन बढ़ने लगा है। दूसरी बात, निप्पल का रंग काला होना। क्या आपको अपने निप्पल कुछ अलग दिख रहे हैं? गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल से मेलिक्वाइट्स प्रभावित होते हैं, यानी इसका प्रभाव उन कोशिकाओं पर पड़ता है जो निप्पल के रंग के लिए उत्तरदायित्व होता है। गर्भधारण करने पर निप्पल का रंग गहरा हो जाता है, तो आप इससे आसानी से पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तीसरी बात, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको मितली आना या उल्टी आने जैसा लगता है। गर्भावस्था के दिन में शुरुआत में काफ़ी बेझिल होती है। सुबह उठकर आपको कमजोरी महसूस होती है और मितली आती है। कई बार आपको खाने पर उल्टी जैसा महसूस होता है, तो ये सारे लक्षण गर्भवती होने के हैं। चौथी बात, जल्दी जल्दी टॉयलेट जाना। क्या आप पहले की तुलना ज़्यादा बार टॉयलेट जाती है? ऐसे समय में किडनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है जिससे आपको बार बार टॉयलेट लगता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें और आप घबराएं ना। पांचवी लक्षण है क्रेविंग। आप क्रेविंग की मदद से भी पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। क्रेविंग भी गर्भवती होने का एक प्रमुख लक्षण है। गर्भवती महिला में किसी विशेष चीज़ की प्रति आकर्षक बढ़ जाती है और हर वक्त वही खाने की दिल लगती है कि हम उसी चीज़ को खाएं। कई बार ऐसा होता है कि इस दौरान महिला की डेली डाइट अचानक बढ़ जाती है और उनको ज़्यादा भूख लगता है और उनको किसी एक चीज़ पर ज़्यादा खाने की इच्छा जाहिर होती है। छठी लक्षण, सिर दर्द। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण सिर में दर्द रहने लगता है। ये गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक प्रमुख लक्षण है, पर धीरे धीरे यह ठीक हो जाता है। इससे आप टेंशन न लें और कोई गलत दवा का सेवन न कर बैठे जो आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए नुकसान भरा हो सकता है। तो आप इसको हल्के में लें और ज़्यादा टेंशन भी ना लें। सातवीं लक्षण, आपको कब्ज की शिकायत होना। जब कोई महिला गर्भधारण करती है तो उनको कब्ज की शिकायत होना आम बात है। हार्मोनल चेंजेज होने की वजह से पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है। पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है, ऐसे में महिला को अक्सर कब्ज की शिकायत होने लगती है। तो इससे भी आप घबराएं ना, ये आपके प्रेग्नेंट होने के लक्षण हैं। आठवीं लक्षण, शरीर का तापमान और आपका मूड में चेंजिंग। गर्भवती होने पर शरीर का तापमान अक्सर सामान्य तापमान से बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इस समय आपका मूड भी बार बार बदलता रहता है। कभी कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है और कभी कभी वही चीज़ आपको खराब लगती है। तो ये सारे लक्षण आपके गर्भवती होने के हैं। तो दोस्तों, यही थे कुछ लक्षण जिसकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। तो दोस्तों, यही थे कुछ खास लक्षण जिसकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। चाहे आप दूसरों को भी देखकर गेस कर सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं।
तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।